हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है क्यूक्यू एक्सपेरिमेंट्स चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घर पर फ्री गैस कैसे बनाए। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि घर पर हम लोग खाना बना रहे होते हैं और एकदम से हमारा जो गैस का सिलेंडर होता है वो खत्म हो जाता है और हमारे पास में कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा सेटअप बताऊंगा, उस सेटअप के जरिए आप लोग गैस खत्म होने के बाद में भी घर पर खाना पका सकते हो। और फ्रेंड्स, इस सेटअप को बनाना बिल्कुल ही आसान है। हमें सिर्फ दो खाली बोतल्स की जरूरत पड़ने वाली है और जरा से पेट्रोल की मदद से हम लोग घर पर गैस बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है पानी की दो खाली बॉटल्स की। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास में है पानी की दो खाली बॉटल्स और फ्रेंड्स साथ में हमें जरूरत पड़ने वाली है पाइप की। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास में है ये पाइप। फ्रेंड्स, ये पाइप आप लोगों को इलेक्ट्रिक शॉप से इजिली मिल जाएगा 10 रुपए का। और फ्रेंड्स, साथ में हमें जरूरत पड़ने वाली है फिश टैंक की मोटर की। आप लोग देख सकते हो कि ये है फिश टैंक की एयर मोटर, साथ में हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास में है ये बोतल का ढक्कन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग हमारे इस बोतल के ढक्कन पर दो होल करेंगे हमारे पाइप के साइज के। फ्रेंड्स, आप लोग होल करने के लिए ड्रिल मशीन का उपयोग कर सकते हो, शोल्डिंग मशीन का उपयोग कर सकते हो या फिर किसी भी नुकीली चीज से होल कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं किस तरह से होल कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग भी होल कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो होल है ना, ये हमारे पाइप के नाप के होने चाहिए, क्योंकि हमें इन होल्स के अंदर हमारा जो पाइप है उसको डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट से मैं इस ढक्कन के ऊपर होल कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि मैंने बोतल की ढक्कन पर दो होल कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, अब हमें जरूरत पड़ने वाली है हमारे पाइप की। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने पाइप ले लिया है। फ्रेंड्स, एक होल में डालेंगे हम लोग हमारे पाइप का एक सिरा, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स, इसको हम लोग इतना निकाल देंगे और निकालने के बाद में इस पाइप के सिरे को काट लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं एक और टुकड़ा काट लेता हूं हमारे पाइप का। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं इतना टुकड़ा काट रहा हूं। ऑल राइट फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि मैंने पाइप का टुकड़ा काट लिया है। और फ्रेंड्स, हमारा ये जो दूसरा वाला टुकड़ा है इसको भी मैं यहां से अंदर डाल दूंगा। आप लोग देख सकते हो ढक्कन के अंदर जो हमने होल करा था उसमें। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो इतना काफी होगा। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास में जो दो बॉटल्स थी खाली, उनके अंदर मैंने एक बॉटल में पेट्रोल भर लिया है और एक बॉटल के अंदर मैंने पानी डाल लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेट्रोल की जो हमारी जो बॉटल है उस पर हम लोग ये हमारा जो ढक्कन है जिस पर हम लोगों ने होल करके पाइप डाले हैं उस ढक्कन को लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि एक पाइप जो है पेट्रोल के अंदर डूब रहा है और एक पाइप जो है ये ऊपर ही है। तो फ्रेंड्स, मैं इस पाइप को जल्दी से डाल देता हूं, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स, हमें इस ढक्कन के ऊपर यहां पर फेविक्विक या फिर आप लोग किसी और चीज़ से चिपका करके यहां से इसको पूरी तरह से सील पैक कर सकते हो, ताकि हमारी जो एयर है ना वो किसी भी तरह से यहां से लीक ना हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये हमारी फिश टैंक की मोटर है। तो हम लोग हमारा जो एक पाइप है इसको फिश टैंक की मोटर में कुछ इस तरह से लगा देंगे और उसके बाद में हम लोग जब इस फिश टैंक की मोटर को ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स यहां से हमारा जो ऑक्सीजन है ये सीधा जाएगा पेट्रोल के अंदर। और पेट्रोल में जाने के बाद में पेट्रोल और हमारा जो एयर है ये मिक्स होकर के एक पेट्रोल और एयर का मिक्सचर बन जाएगा, जो कि फ्लेमेबल होगा। जब हम लोग आग लगाएंगे यहां पर तो आग जलना स्टार्ट हो जाएगी। इस सेटअप में, पूरे सेटअप में एक दिक्कत है कि फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर आग लगाते हैं और किसी वजह से अगर आग सीधे पेट्रोल तक पहुँच जाती है तो दुर्घटना हो सकती है। तो इसी से बचने के लिए हम लोग इस वाले पाइप को कुछ इस तरह से पानी वाली बोतल के अंदर लगाएंगे और जो दूसरा जो पाइप एक और निकालेंगे हम लोग, उससे हम लोग जो हमारी गैस है उसको कलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो पूरा सेटअप है ये रेडी हो चुका है। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि मैंने फिश टैंक की मोटर का उपयोग किया। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास में फिश टैंक की मोटर ना हो तो आप लोग ब्लोअर या फिर हेयर ड्रायर का उपयोग भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, सिंपली आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को ये वाला जो पाइप है इसको निकाल करके ब्लोअर या फिर जो हमारा हेयर ड्रायर होता है उसके आगे अच्छे से चिपका देना है और आपका काम बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सेटअप है ना किस तरह से काम करता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से होते हुए सीधा यहाँ से होते हुए हमारी जो पेट्रोल की बोतल है इसके तले में
निकलेगी और यहाँ से बुलबुले बनते हुए ऊपर आएगी और यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पर जो गैस इकट्ठा होगी वो पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर होगा, फिर वो जो गैस है वो यहाँ से इस छोटे वाले पाइप से होते हुए हमारी पानी वाली बोतल के पानी के अंदर जो तला है यहाँ तक आएगी और यहाँ से बुलबुले बन करके बाहर निकलेगी और फिर ये वाला जो पाइप है इसके जरिए बाहर आ जाएगी। फ्रेंड्स अगर किसी रीजन से किसी कारण से अगर आग यहाँ पर लगती और यहाँ से लगती 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 अगर यहाँ तक पहुँचती भी है तो फ्रेंड्स किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो जो आग रहेगी वो सिर्फ पानी के ऊपर ऊपर रहेगी। तो फ्रेंड्स जल्दी से जो हमारा ये सेटअप है मैं इसको स्टार्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ।